सोशल मीडिया पर कुछ इसे मोदी सरकार के मंत्रियों की जानकारी का अभाव बता रहे हैं, तो कुछ आंखें बंद करके राजनीतिक हमलों की इंतहा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों ने राहुल गांधी पर हमला बोला था, वे एक हफ्ते के भीतर ही बेअसर होता दिख रहा है। सरकार ने पहले तीसरी वैक्सीन यानी स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी, उसके एक दिन बाद ही दुनिया भर की दूसरी वैक्सीन के लिए भी देश के दरवाजे खोलने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन 9 अप्रैल को सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद राहुल गांधी की उस मांग पर सवाल उठा दिए थे, जिसमें उन्होंने दुनिया की दूसरी वैक्सीन को देश में जल्दी लाने की अपील की थी। राहुल की इस मांग को रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट करके लॉबिंग करार दे दिया था। अब चूंकि सरकार खुद विदेशी कंपनियों की वैक्सीन भारत में लाने पर राजी है, तो उनके ट्वीट पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले हफ्ते जब देश में कुछ राज्यों से वैक्सीन की कमी की खबरें आईं, तो राहुल गांधी ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने विदेशों की दूसरी वैक्सीन को अप्रूवल देने की प्रक्रिया को तेज करने की मांग की। ये बात 9 अप्रैल की है। इस चिट्ठी पर सीनियर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी को पार्ट टाइम विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग करने वाला बता दिया। उनका साथ मोदी सरकार की दूसरी मंत्री यानी स्मृति ईरानी ने भी दिया। रविशंकर ने 4 ट्वीट किए, जिनमें उन्होंने लिखा, एक पार्ट टाइम नेता बनने में असफल रहने के बाद अब क्या राहुल गांधी फुल टाइम लॉबिस्ट बनना चाहते हैं? पहले उन्होंने फाइटर प्लेन की खरीद में लॉबिंग करके देश की रक्षा खरीद को पटरी से उतारने की कोशिश की, अब वे फार्मा कंपनियों के लिए लॉबिंग करते हुए विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को अप्रूवल देने की बात कर रहे हैं। महामारी से किसी एक जुगत से नहीं लड़ा जा सकता। वैक्सीनेशन के अलावा टेस्टिंग, ट्रेसिंग और इलाज पर भी बहुत ध्यान देना होता है। राहुल गांधी की समस्या है कि वह ये सब नहीं समझते। उनकी अज्ञानता में उनका अहंकार और इजाफा करता है। इतना ही नहीं, इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मोदी सरकार की दूसरी मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा, पार्ट टाइम नेता फुल टाइम लॉबिस्ट, क्या इसमें कोई आश्चर्य है? वैसे भी चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इन ट्वीट्स के बाद का तीसरा और चौथा दिन विदेशी वैक्सीन के अप्रूवल के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। मोदी सरकार ने 12 अप्रैल को रूस की बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूव कर दिया। उसके अगले ही दिन यानी 13 अप्रैल को दूसरे देशों की वैक्सीन के लिए देश के दरवाजे खोलने का रास्ता साफ कर दिया। कोरोना की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कमेटी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने मीटिंग की, फैसला लिया कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के देशों में पहले से इमरजेंसी अप्रूवल पा चुकी वैक्सीन को भी जल्द से जल्द भारत लाया जाए। इसे लेकर एक्सपर्ट ग्रुप ने बकायदा प्रोटोकॉल भी बताया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने पर घेरने वाले मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों को क्या ये बात पता नहीं थी कि सरकार विदेशी वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लेने जा रही है? यह सरकार राहुल गांधी की चिट्ठी को खारिज करके इस पूरी योजना में विपक्ष को किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं लेने देना चाहती थी। अब इस पर पूरा स्पष्टीकरण तो ट्वीट करके राहुल गांधी पर इल्जाम लगाने वाले मंत्री ही दे सकते हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।